हेलो हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे चपली कबाब। इसके लिए हमें चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यहाँ पे रख लिया है, मैं एक एक कर आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 1.5 किलो बीफ कीमा लिया है। इसके अंदर डालने के लिए हमें चाहिए प्याज। इस टोमेटो को हम आखिरी में डालेंगे। अभी हमें इन सब मसालों को मिक्स करके इसको 15 मिनट्स रेफ्रिजरेट करना है, इसलिए हम टोमेटो को बाद में डालेंगे। इसमें हमें डालने के लिए चाहिए प्याज 1 कप, एक हैंडफुल ऑफ हरा धनिया, कोरिएंडर लीव्स, हरी मिर्ची 2 मैंने बारीक सी कटी हुई ली है, 1 अंडा, यह है बेसन, ग्राम फ्लोर, मक्खन, अगर मक्खन ना हो तो कोई भी 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल यूज़ कर सकते हो, या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर घी भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने बटर यूज़ किया है, ये बटर है। और ये है गरम मसाला 1 टेबल स्पून, सॉल्ट आपके हिसाब से आप डाल लीजिए, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। अब हम इसे स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए, इसमें हम डालेंगे फर्स्ट प्याज, 1 हैंडफुल ऑफ प्याज, फिर डालेंगे ये सारे मसाले जो कि है, मैंने ग्राउंडेड मसाले ये बताए थे आपको, ये फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च, फिर इसमें डालेंगे खूब सारा धनिया, और इसमें हम डालेंगे 1 अंडा, और इसमें डाल देंगे ये फ्लोर और मक्खन। और ये फ्लो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे लगभग 3 से 4 मिनट्स के लिए। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप भी इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अच्छे से इसको 2-3 मिनट्स तक इसको मिक्स कीजिएगा, ताकि अंडा, फ्लोर, जो भी हमने हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, नमक, जो सब कुछ डाला है, एक दूसरे में मिल जाए। और अब हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसको हम रेफ्रिजरेट करते हैं बिना टमाटर के, बाकी सब हमें ऐड करना है, ये अच्छे से याद रखिए। अब इसको रेफ्रिजरेट कर देते हैं, 15 मिनट्स रेफ्रिजरेट किया था, अब ये निकाल लिया है हमने। अभी इसमें हमें चाहिए कुछ चॉप्ड टमेटोज और ऐसे स्लाइस किए हुए टमेटोज, इन चॉप्ड टमेटोज को इसमें हम मिला लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए 1 मिनट तक। ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम इसके पैटिस बना लेते हैं, मतलब कबाब शेप में बना लेंगे इसको। यहाँ पे एक पैन गरम करने के लिए रख दीजिए, उसमें तेल डालिए, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, घी भी, या फिर बटर भी इसके लिए तलने के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कबाब कैसे बनाते हैं इसको, टमाटो स्लाइस रख के इसको हमें ऐसे, थोड़ा आप चाहिए तो ऐसे पानी का हाथ भी लगा सकते हो, इसके ऐसे छोटे छोटे कबाब बनाकर बीच में ऐसे इसको टोमेटो को रखिए, और इसको हम तलेंगे ऐसे। यहाँ पे हमने इसको ऐसे तलने के लिए डाला है, इसको अच्छे से बीच बीच में प्रेस कीजिए ताकि ये कच्चा ना रहे और ये टमाटो इसके ऊपर चिपक कर रहे। 3 मिनट्स पीछे, 3 मिनट्स सामने इसको रोस्ट कीजिए। अब इसको हम पलट देंगे, ऐसे हम 2-3 मिनट्स दोनों साइड पका लेंगे। इसको अच्छे से पकने दीजिए, धीमी आंच पर, मीडियम फ्लेम पर इसको पकाइए, ज़्यादा तेज फ्लेम पर ना पकाएं, ये जल भी सकते हैं। दोनों जगह से इसको अच्छे से टॉस कीजिएगा, या फिर आप इसको कढ़ाई में भी थोड़ा सा डीप फ्राई कर सकते हो, पूरे तरीके से नहीं, थोड़ा सा डीप फ्राई भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि इस पर नहीं हो रहा है तो। वैसे तो इसी पे हो जाएगा, पतले पतले
ऐसे बनाइए और इसके ऊपर डाल दीजिए। हो तो ऐसे सेमी डीप फ्राई भी कर सकते हो इसको, या फिर आप तवे पे भी इसको डाल सकते हो। यहाँ पे हमारे कबाब तल चुके हैं और मैंने इसको ऐसे सर्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स अ चपली कबाब। लाइक इट, सब्सक्राइब इट, कुक इट, ईट इट, रिपीट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।